नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास खबर के इस खास बुलेटिन में। आपके साथ में हूं दिव्या। हरियाणा के मौसम में परिवर्तन का दौर लगातार जारी है। मंगलवार को सुबह शीतलहर चलने से लोगों को ठंड का एहसास हुआ, वहीं न्यूनतम तापमान में फिर से काफी जो कमी है वो दर्ज की गई है। मंगलवार को सोनीपत का न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री दर्ज किया गया था। एक दिन पहले यह 14.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं ने वायु गुणवत्ता में सुधार कर दिया है। सुबह AQI 75 दर्ज किया गया है। एक दिन पहले यह 113 दर्ज किया गया था। वहीं झेलम एक्सप्रेस, गीता जयंती, उचाहार और दादर एक्सप्रेस ट्रेनें जो हैं वो रद्द होने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेवाड़ी में सुबह से ही कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से दृश्यता 10 मीटर दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने बूंदाबांदी की संभावना जताई है और कोहरा अधिक पड़ने से ठंड फिर से बढ़ चुकी है। शीतलहर का दौर भी लगातार चल रहा है। सुबह का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं अगर बात कर ले रोहतक की, तो रोहतक में मंगलवार को सुबह कोहरा छाया रहा। सुबह 8 बजे बाद हल्की धूप खिली। वहीं ट्रेनें 25 से 30 मिनट की देरी से चल रही हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 16.5 डिग्री रहा। सुबह कोहरे के साथ मौसम में नमी बनी रहेगी। जिंद में दिन की शुरुआत धुंध से हुई, साथ ही सुबह धूप निकल आई। अधिकतम तापमान 19 और न्यूनतम तापमान 60 डिग्री दर्ज किया गया। हवा की गति 5 किलोमीटर रही। वहीं नारनौल में 4 दिन की राहत के बाद कोहरे ने फिर से वाहनों की रफ्तार को रोक दिया और कोहरे के साथ शीतलहर चलने से लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलती दिखाई दे रही है। नारलौन में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं महेंद्रगढ़ में मंगलवार को सुबह घने कोहरे के साथ दिन की शुरुआत हुई। 8 बजे के बाद धूप निकली और न्यूनतम तापमान में पिछले 2 दिनों में 2 डिग्री की गिरावट के साथ 8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जबकि अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं हवा की सुधरी गुणवत्ता AQI 59 रही। सुबह हल्की सर्द हवा चलती दिखाई दी। बहादुरगढ़ वासियों को मंगलवार को साफ ऑक्सीजन मिली। AQI हरे रंग में 75 दर्ज किया गया था। झज्जर में 3 दिन की राहत के बाद मंगलवार को सुबह कोहरे के साथ हुई आज सुबह गहरा कोहरा जो है वो छाया हुआ था, लेकिन शीतलहर के चलते कोहरा छटने लगा। आसमान में बादल जो है छाए रहे। अधिकतम तापमान 20 और न्यूनतम 8 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं IMD के मुताबिक आने वाले दिनों में 2 डिग्री तक तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। हरियाणा में धूप खिलने के बाद भी तापमान में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिल रहा है और ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। हरियाणा के अंबाला में बात की जाए तो न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। हिसार में तापमान 10.3 डिग्री, करनाल में 13.5, नारनौल में 9, रोहतक में 12.8, भिवानी में 10.1, सिरसा में न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं राजधानी चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा के पड़ोसी राज्य पंजाब में भी कई स्थानों पर कोहरा छाया रहा। तो ये थी हरियाणा की मौसम को लेकर के अपडेट कि मौसम में कितना परिवर्तन जो है हरियाणा में देखा जा रहा है। हरियाणा के अलग अलग जिलों के हमने आपको तापमान क्या रहा, वहां पर कोहरा छाया हुआ है और शीतलहर से जो लोग हैं वो लगातार ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं। दो दिन से हरियाणा के मौसम का मिजाज जो है वो लगातार बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि हरियाणा में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है। मौसम विभाग ने जो है संभावना जताई है कि आगामी 5 दिनों में मौसम जो है वो करवट ले सकता है। शीतलहर से लोगों को जो है थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन फिलहाल लोगों की शुरुआत जो है सुबह सुबह घने कोहरे से हुई और हरियाणा में लगातार जो है मौसम अपने रंग बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि हरियाणा में कोहरे की वजह से कई ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं और कई ट्रेनें जो हैं अपने तय निश्चित समय से देरी से चल रही हैं।
वहीं हरियाणा के तमाम मौसम को लेकर के ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मोनू पांचाल फरीदाबाद से, और हमारे साथ है रमेश ढाका फतेहाबाद से, और प्रवीण आहूजा पलवल से। प्रवीण, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि पलवल में जो है आज मौसम में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, कितना कोहरा छाया हुआ है और लोगों को क्या कुछ परेशानी उससे हो रही है। इधर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मौसम विभाग का तो कहना बिल्कुल सही है कि आने वाले 5 दिनों में कहीं ना कहीं मौसम में परिवर्तन देखा जा सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैं जिस स्थान पर खड़ा हूं, ये राष्ट्रीय राजमार्ग 19 जो कि दिल्ली से चलकर मुंबई की ओर जाने वाला ये राष्ट्रीय राजमार्ग 19 है, जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग के सर्विस रोड के सहारे मैं खड़ा हूं। आप देख सकते हैं कि मेरे चेहरे पे कितना तेज है, कितना प्रकाश है, क्योंकि सुबह तो बेहद धुंध थी, लोगों को वाहन चलाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। यूं मान लीजिए कि विजिबिलिटी बिल्कुल घट घट सी गई थी, लेकिन अब हम मौसम की बात कर लेते हैं। मौसम में एकदम परिवर्तन देखा जा रहा है कि सूर्य नारायण के साक्षात दर्शन हो रहे हैं और इतनी तपस हो रही है कि जो टेम्परेचर है जो लगातार 7 या 6 डिग्री तक पलवल जिले में पहुंच गया था, वो आज की तारीख में लगभग 13 से 14 डिग्री है, एकदम धूप के कारण हो चुका है। अगर कहीं इसी तरह से मौसम रहा तो हो सकता है कि आने वाली जो फसल है, यूं कहूं कि गेहूं की फसल को हमेशा नमी चाहिए, ठंडा चाहिए और ऐसी कोहरा चाहिए और पानी चाहिए, क्योंकि बरसात का पानी जो है वो गेहूं की फसल के लिए अमृत का काम करता है। कहीं अगर ये तपस बढ़ गई, सूर्य की किरणें अगर तेज होने लगी और इस तरह से गर्मी बढ़ने लगी, तो स्वाभाविक है कि किसान कहीं ना कहीं चिंता में तो आएगा और आने वाले समय में गेहूं जो पकना चाहिए अपने समय के अनुसार, जो परिवर्तन के अनुसार, वो अगर कहीं जल्दी पकने लगता है तो वो सबसे खतरनाक होगा। अगर फसल पीली पड़ने लगती है तो समझ लीजिए कि आने वाला जो गेहूं का जो दाना होगा उसमें कहीं ना कहीं उसमें कमी दिखाई देगी, कहीं ना कहीं कालापन आ जाता है, गेहूं का दाना में मोटापन नहीं आता, तो वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बनेगा। और अगर इस तरह से तापमान में कहीं बढ़ोतरी देखेगी तो आम आदमी के लिए भी कहीं ना कहीं खतरनाक साबित होगा, क्योंकि अभी ठंड गई नहीं है, लेकिन जो मौसम का परिवर्तन की जो देखा जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बना है। तो इसके लेके लेकर आम आदमी एकदम चिंता कर रहा है कि अभी तो कुछ घंटे पहले इतनी जबरदस्त कोहरा छाया हुआ था आसमान में, और अब बात कर लेते हैं तो धूप की, धूप को देखकर सब हैरान है कि कहीं कोई उम्मीद नहीं थी, तो उसको लेकर मौसम विभाग बिल्कुल ठीक कह रहा है कि कुछ भी हो सकता है, कि परिवर्तन ही नियम है, परिवर्तन भी कभी भी हो सकता है। जी दिव्या जी, बिल्कुल शुक्रिया। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं मोनू पांचाल जी, बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे कि कोहरा जो है एक तरफ किसानों के लिए तो वरदान साबित हो रहा है, उनकी गेहूं की रबी की फसलों को जो है फायदा मिल रहा है, दूसरी तरफ अगर बात करें तो कोहरे से हादसों की संख्या में भी इजाफा हो जाता है, लगातार सड़क दुर्घटनाओं के मामले सामने आते हैं, तो फरीदाबाद में अभी क्या कुछ स्थिति है? जी देखिए, फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में जो है बीते रात की बात की जाए तो रात के 2 बजे से करीब जो है धुंध की जो चादर है वो पूरे फरीदाबाद में फैल चुकी थी, और किसी जो अंधेरा है वो बिल्कुल पूरी तरीके से छा गया था। पूरा सुबह की वक्त की बात की जाए तो सुबह भी जो है काफी जो है धुंध यहाँ पर दिखाई दे रही थी, लेकिन जिस तरीके से 8 बजने के बाद जब टेम्परेचर जब बढ़ता रहा तो कहीं ना कहीं अब धूप सूर्य नारायण के इस तरीके से दर्शन हुए कि जिस तरीके से गर्मी में जो दर्शन होते तो इस तरीके के जो यहाँ पर तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सुबह की बात की जाए तो सुबह लगभग जो है 7 से 8 टेम्परेचर आका जा रहा था, लेकिन अब फिलहाल की बात की जाए तो टेम्परेचर जो है 12 से 13 टेम्परेचर फिलहाल आका जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक तरफ लोगों को जो है ठंड से राहत मिलती है तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं किसान जो है इस चीज को लेकर के चिंता जरूर बन गई है उनके चेहरे पर, क्योंकि जिस तरीके से सर्दी जो बढ़ती है तो कहीं ना कहीं गेहूं का जो दाना है वो पकता, गेहूं सही तरीके से पनपते हैं, तो वहीं जिस तरीके से अब गर्मी जो है तापमान बढ़ने लगा तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर तापमान ऐसा ही रहा तो गेहूं में काफी जो है यहाँ पर खतरा किसानों के लिए बन सकता है, क्योंकि जो फसल है वो दाना जो गेहूं का है वो नहीं पक पाएगा, मोटा उस दाने में नहीं आ पाएगा, तो कहीं ना कहीं इस तरीके के हालात यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने बोला कि 4-5 दिन के अंदर टेम्परेचर जो गर्मी का है वो यहाँ पर बढ़ सकता है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से एक तरफ किसान परेशान है तो दूसरी तरफ लोगों को राहत जरूर है, लेकिन जिस तरीके से मौसम में चेंजिंग आ रही है उस तरीके से यहाँ पर जो है बच्चे बुजुर्ग वो बीमार पड़ते हुए दिखाई साफ तौर पर दे सकते हैं। जी दीपिका जी बिल्कुल, तो सर आपने बोला कि किसान वर्ग के लिए जो है ये सर्दी और ये कोहरा जो है ये राहत की बात है, ऐसे में अगर आगामी दिनों में ठंड का कहर और बढ़ता है तो किसानों को बिल्कुल फायदा मिल सकता है, और अगर वहीं ये घटता है तो लोगों को बिल्कुल इससे जो है
मिलेगा। हम रमेश ढाका के पास चलते हैं, फतेहाबाद से रमेश ढाका हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। आपसे जानना चाहेंगे कि कोहरे और बढ़ती सर्दी में जो है वो मौसमी बीमारियों की संभावना भी काफी बढ़ जाती है, ऐसे में बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, सभी को जो है गले में खराश रहना, सरदर्द रहना, सर्दी जुकाम की शिकायतें जो है वो देखने को मिलती है। ऐसे में सरकारी अस्पतालों का वहां पर जो है क्या कुछ हाल है, वहां पर कितने मरीजों की जो है लंबी कतारें जो देखने को मिल रही है, और इस सर्दी के मौसम से लोगों को जो क्या कुछ परेशानियां हो रही है? देखिए बिल्कुल दिव्या, बताना चाहूंगा अगर फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो सर्दी से लगातार जो है आम जनजीवन जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित था, और जैसे आपने बताया कि दिखते बीमार कहीं ना कहीं कंठ दर्द करना, जुकाम, सर्दी के अंदर जो है अभी एक बुखार जो है कहीं ना कहीं हल्की आ रही है कुछ लोगों में, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन अलर्ट है। यहाँ जो है स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं, हॉस्पिटल है, अच्छी व्यवस्थाएं दुरुस्त है, लेकिन मौसम देखिए कड़ाके की ठंड जो लगातार पड़ रही थी, और आज की अगर बात की जाए तो आज जो है कुछ राहत मिली है क्योंकि सूर्य देवता ने सुबह ही दर्शन दे दिए हैं, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं काफी राहत मिलेगी। बूढ़े बुजुर्ग हैं चाहे बच्चे हैं, लेकिन अपना खुद को ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि मौसम के अंदर जो है कड़ाके की ठंड में अक्सर बीमारियों का बिल्कुल बढ़ना भी लाजमी है, क्योंकि सर्दी के अंदर जो है सफर करते समय हेलमेट का प्रयोग नहीं करते वो जो भी लोग हैं जो रस्ते में, इसी कारण जो हार्ट कंपा देने वाली ठंड लगातार पड़ रही थी दिव्या, लेकिन आज की अगर बात की जाए तो काफी एक बड़ी राहत भी मिली है क्योंकि सूर्य देवता ने दर्शन दिए, लेकिन किसानों के लिए बहुत ही एक बताना चाहूंगा फायदेमंद नहीं साबित हो रही है, क्योंकि ये लंबे समय तक जो है धुंध जो है पड़ती रहनी चाहिए थी। अभी जो है आज का अगर मौसम देखा जाए गर्मियों जैसे हालात, जैसे हमारे सहयोगी भी बता रहे थे गर्मियों जैसे हालात कहीं ना कहीं आज बनते नजर आ रहे हैं, तो बिल्कुल ये जो है किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें मैं इसको कह सकता हूं, क्योंकि दूसरा जो महीना है फरवरी का महीना शुरू हो चुका है, इस महीने में भी अच्छी खासी अगर लंबे समय तक ठंड पड़ेगी तो पैदावार जो है गेहूं की अच्छी निकलेगी, और अगर सूर्य देवता इसी तरह अगर जो शुरू हो जाता है सुबह से ही दिन में जो है अगर इसकी कड़ाके की किरणें जो है कहीं ना कहीं बरसती निरंतर रहेगी तो उससे जो है फसलों में काफी नुकसान होगा किसानों को। जी बिल्कुल, बढ़ती सर्दी की वजह से जो है लगातार लोगों के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव का दौर भी जो है वो देखा जा रहा है, जिस तरह से टेम्परेचर आगे पीछे हो रहा है लोगों का स्वास्थ्य भी घट बढ़ रहा है, सर्दियों के सिम्टम्स जो है सर्दी जुकाम के देखने को मिल रहे हैं। प्रवीण जी आपसे जानना चाहेंगे कि सर्दियों के जो सिम्टम्स हैं इसको लेकर के मौसम विभाग ने क्या गाइडलाइंस दी है, और साथ ही डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है कि लोग अपने आप से इसको किस तरह से जो है इस मौसम में अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, क्या एहतियात उन्हें बरतना चाहिए इस मौसम में? देखिए स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कहीं मौसम में अगर कहीं परिवर्तन आता है तो स्वाभाविक शरीर में भी कहीं ना कहीं परिवर्तन आता है, कहीं से हम जिसे कहते ना ऋतु परिवर्तन होती है, और ठंड से कहीं अगर गर्मी में प्रवेश करते हैं तो स्वाभाविक शरीर में भी कहने की गतिविधियों में बदलाव देखा जा सकता है, तो इसलिए स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ऐसे मौसम में क्योंकि अभी हालांकि गर्मी नहीं आई है, गर्मी के टेम्परेचर में बहुत अभी दूरी है, लेकिन कहने के मौसम परिवर्तन को लेकर जरूर कह सकते हैं कि जिस तरह से 13 से 14 डिग्री अगर टेम्परेचर आज जिसे कह सकते हैं फरवरी के अभी हाल की शुरुआत है, अभी तो पूरा फरवरी का महीना पड़ा है और उसमें ठंड में अभी जिसे कहते हैं कि जाति पे नहीं दिखाई दे रही, लेकिन कहीं मौसम भी परिवर्तन की चाल को देखकर तो कह सकते हैं, तो उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कहने का आप अपने खान पान पर सबसे पहले आपको जो है वो ध्यान रखना होगा, और सबसे बड़ी बात है बदलते मौसम में आपको योग प्रक्रिया को अपनाना होगा क्योंकि योग सेहत जरूरी है, और आयुर्वेद में भी कहा गया है कि योग के बिना किसी भी इंसान का भी गुजारा नहीं है, तो समय समय पर आपको योग का सहारा तो जरूर लेना होगा, और जहां दवाइयां हैं उनसे तो खास करके बचे क्योंकि सर्दियों में दवाइयां ठीक है मजबूरी में इंसान लेता है लेकिन कोशिश की है तो बचाव किया जा सकता है, तो बेहतर है क्योंकि कुछ गर्म पेय पदार्थ का सहारा लेकर चले क्योंकि वो शरीर को कहने के तापमान में बढ़ोतरी देते हैं और ठंड में कहने की राहत भी देते हैं, वो इंसान के लिए बेहद जरूरी है, तो इसको लेकर लेकर स्वास्थ्य विभाग ने इस तरह की एडवाइज जारी करती है। लेकिन दूसरी बात करते हैं मरीजों को लेकर, कहीं ना कहीं जब मौसम में परिवर्तन देखा जाता है तो कहीं ना कहीं बदलाव के कारण तो कहीं हो सकता है मौसम में नमी बनती है या एकदम नमी से कहीं बाहर आते हैं तो कहीं ना गले में खराश या अन्य प्रकार के सिर में दर्द होना या चक्कर आना या आंखों में जलन होना, तो एक तरह की चीजें ये कहीं ना कहीं बीमारी जो सामने आती है, तो इसको लेकर मरीज जब नजदीक के अस्पतालों में जाता है तो डॉक्टरों को पता लगता है कि ये बीमारी जो है मौसम परिवर्तन के कारण हो रही है, और तो सबसे बड़ी बात इनमें एक बीमारी ज्यादा पनपती है वो स्किन की बीमारी,
शरीर में स्किन की बीमारी जो है वो सबसे ज्यादा बनती है, क्योंकि ठंड से गर्मी में जब परिवर्तन आता है तो स्किन की प्रॉब्लम ज्यादा आती है, तो उसको लेकर भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। तो परिवर्तन जो मौसम विभाग ने कहना है कि 15 फरवरी तक, उन्होंने पहले भी जानकारी दी थी कि 15 फरवरी तक कहने के मौसम में पूरा बदलाव देखा जा सकता, उसके बाद कहीं तापमान में जरूर बढ़ोतरी देखी जाएगी, क्योंकि मौसम में बदलाव आएगा, क्योंकि ठंड बहुत लंबी चली है और इस बार ठंड भी लेट पड़ी है, तो कहने के तापमान में जो बदलाव है वो 15 फरवरी के बाद जरूर कहने की गर्मी में तपस देखी जाएगी, आने वाले समय में तापमान में जरूर बढ़ोतरी देखी जाएगी, क्योंकि लगातार पर्यावरण को अगर कहीं हम लोग मिलकर नहीं बचाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग पर बार बार आ रही है, हम लोग पर्यावरण पर ध्यान नहीं दे रहे और हम उसमें कटौती कर रहे हैं, नुकसान दे रहे हैं, वो चीजें हमें कहने में पूरा नुकसान देगी, जिसके लिए भारत सरकार का पूरा विश्व इसमें पर्यावरण को बचाने के लिए अभियान चला रहा है। इस समय पर्यावरण को बचाना हम सबके लिए बेहद जरूरी है, लेकिन हम लोग पर्यावरण को नहीं बचा रहे, लगातार प्रदूषण कर रहे हैं, लगातार प्रदूषण के कारण हमें बीमारियां भी बन रही है, शरीर में बीमारी भी उत्पन्न हो रही है, तो ये सब चीजें हैं, तो उसके लिए आने वाले समय में स्वाभाविक है कि तापमान में बढ़ोतरी होगी, बढ़ोतरी के बाद अब जैसे गर्मी तापमान आएगा लोग अपने घरों में जो एसी चलाना शुरू कर देंगे, एसी की जो गर्मी है वो बाहर आएगी, वो कहीं नहीं जाएगी, वो पूरे आसमान में रहेगी और वही हमें सबको नुकसान देगी, जिस कारण स्वाभाविक आने वाले दिनों अगर 15 फरवरी के बाद हम तापमान में बढ़ोतरी जरूर देखेंगे। लेकिन चिंता का विषय किसानों के लिए जरूरी है, किसान बेहद परेशान होगा, क्योंकि अगर एक उदाहरण के तौर पर अगर एक किलो जमीन में अगर 50 मन गेहूं उगती है, अगर ऐसा ठंड अगर मौसम मिलता, अगर ऐसे नमी मिलती या कहीं बरसात मिलती या कोहरा मिलता, तो स्वाभाविक है 50 से 70 मन के आसपास तो गेहूं उठा सकता, लेकिन कहीं अगर गर्म तापमान बढ़ गया तो पैदावार में जरूर कमी देखी जा सकती है। किसानों के लिए ये चिंता का विषय है, क्योंकि किसान अन्नदाता है, तो उसके लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय होगा। जी दिव्या जी, बिल्कुल, प्रदूषण जो है सर्दियों में लगातार प्रदूषण का स्तर भी जो है बढ़ जाता है, AQI का जो है वो स्तर है वो बढ़ जाता है, और आपने बात कही कि साथ ही हरियाणा में किसानों को भी जो है वो दिक्कतें आ रही हैं, उनकी फसलों को नुकसान हो सकता है। मोरू पांचाल जी, आपसे इसी पर मेरा सवाल है कि हरियाणा में 70% जो लोग हैं वो गांवों में निवास करते हैं, वहां की अधिकांश जनता जो है 70% वो किसानों की है, सीधे तौर पर हरियाणा जो है वो कृषि से जुड़ा हुआ है, अब ऐसे में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है और उसकी वजह से जो मैदानी इलाके हैं, उत्तरी इलाके हैं, वहां पर जो है लगातार ठंड का कहर देखने को मिल रहा है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि 5 दिनों में जो है आगामी 5 दिनों में इसमें परिवर्तन देखने को मिल सकता है और मौसम जो है वो बदल सकता है, गर्मी जो है थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है, तो हरियाणा के किसानों पर जो है क्या प्रभाव इसमें पड़ेगा, उनकी रबी की फसलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर के आप बताइए। दिव्या देखिए, जिस तरीके से क्योंकि मैं भी जो है ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी ग्रामीण गांव में रहता हूँ, लेकिन जिस तरीके से जो धूप है वो लगातार, क्योंकि अभी सर्दी जो है गर्मी आने का टाइम नहीं हुआ, क्योंकि इस फरवरी के महीने में जो है लगभग 15 से 20 तारीख तक जो है वो सर्दी बिल्कुल करकरारे की सर्दी पड़ती है, लेकिन जिस तरीके से अब मौसम विभाग ने बोला है कि बताया कि जिस तरीके से जो मौसम है, मौसम में करवट जो है वो आनी शुरू हो गई है, तो इस तरीके के अगर मौसम में ये ही चीज रही, क्योंकि धूप की तेज किरणें अगर इस तरीके से बनी रही तो कहीं ना कहीं किसानों को काफी नुकसान यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि उनकी फसलें जो है जिस तरीके से किसान एक ठंड के मौसम के अनुसार ठंड की मौसम की फसल जो बोता है, यानी कि सरसों की बात की जाए, चाहे वो गेहूं की बात की जाए, चाहे वो जो है उसकी बात की जाए, तो जो तमाम फसलें हैं जो ठंड के मुताबिक जो फसलें होती हैं वो फसलें बोते हैं, और कहीं ना कहीं अगर इस तरीके की ठंड नहीं पड़ी तो कहीं ना कहीं किसानों को काफी नुकसान यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने जैसे बोला है कि मौसम विभाग ने बताया कि जिस तरीके से अब जो है गर्मी अब पड़नी शुरू हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो किसानों की चेहरे पर चिंता की लकीरें जरूर देखी जा सकती है दिव्या, कि उनकी जो फसल है आखिर वो कैसे बनेंगी, कैसे पनपेंगी, वो गेहूं में मोटा दाना कैसे जो आएगा, अगर इस तरीके के हालात रहे तो कहीं किसान जो काफी परेशान हो सकते हैं। और वहीं मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग भी जो है यहाँ पर एडवाइजरी देते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि अभी फिलहाल जो है शादियों के जो है सीजन वो चल चुका है, तो कहीं ना कहीं लोग पार्टी और शादियों में जाते हैं तो कहीं वहां पर आइसक्रीम जो है वो खाते हैं, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग इस चीज को लेकर के भी एडवाइजरी यहाँ पर देता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अगर वो किसी फंक्शन में जाए तो किसी ठंडी चीज का सेवन ना करे, क्योंकि अभी पूरी तरीके से गर्मी
गर्मी नहीं है, बीच का मौसम है, ना सर्दी है ना ठंड है। अगर इस तरीके से अगर ठंड का जो ठंडी चीजों का सेवन किया तो बीमार जो है वो पड़ सकते हैं। तो कई तरीके से यहाँ पर एडवाइजरी देते हुए साफ तौर पर नजर आ रही है कि एसी पंखा या ठंडी या आइसक्रीम का सेवन ना करें, उनको जो है काफी बीमारी जो है वो हो सकती है। तो कहीं जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग भी ये भी बात कह रहा है कि अगर जिस तरीके से मौसम में जो तब्दीली आई है, कहीं ना कहीं जो बारिश पड़ी है उससे भी लोग काफी बीमार हुए हैं, क्योंकि बारिश रही है और बारिश के बाद अब इस तरीके की जो गर्मी जो है वो बनने लगी है। तो कहीं ना कहीं मौसम में जिस तरीके से तब्दीली आई है तो कहीं बीमारों लोगों की जो है वो लाइनें यहाँ पर बढ़ गई है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरी व्यवस्था यहाँ पर दिव्या की गई है, चाहे वो डॉक्टरों की बात की जाए, चाहे वो बाढ़ को लेकर के बात की जाए, तो पूरी तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई है। और यहाँ पर लगातार यहाँ पर एडवाइजरी देते नजर आ रही कि अभी जो है गर्म कपड़ों का जो है इस्तेमाल करें, कहीं जो है अभी ठंडे कपड़े ना पहने, तो इसको लेकर के भी यहाँ पर एडवाइजरी देते नजर आ रही है। जी दिव्या जी बिल्कुल, उत्तरायण के बाद से जो अगर देखा जा रहा है तो शादियों का सीजन भी जो है वो शुरू हो गया है। अब ऐसे में क्या कुछ जो है दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि बढ़ते ठंड और बढ़ते कोहरे से जो है ट्रैफिक व्यवस्था पर भी असर पड़ता है। ट्रैफिक बढ़ना, दुर्घटनाओं का होना, हादसों का होना, और साथ ही शादियों के सीजन में लोग एक अपने गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक जाते हैं। ऐसे में ट्रेनों की लेकर के क्या अपडेट है? ट्रेन हो गए, फ्लाइट्स हो गए, कितनी देरी से चल रहे हैं, कितनी ट्रेनें जो हैं वो रद्द होने की जानकारी मिल रही है? रमेश जी देखिए बताना चाहूंगा, दो दिन पहले की बात करूं तो काफी जो है ट्रेनें रद्द की गई थी, क्योंकि कोहरा जो है काफी भयानक रूप ले चुका था और विजिबिलिटी भी बिल्कुल कम हो गई थी, जिसको लेकर के बड़ी परेशानियों का सामना कहीं ना कहीं यात्रियों को करना पड़ा। एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, क्योंकि ऐसे हालातों के अंदर देखिए दिव्या उड़ान। रमेश जी से लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। मोनू जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या असर जो है वो देखने को मिल रहा है, ट्रेनें कितनी देरी से चल रही हैं, रद्द हो गई हैं, लोगों को क्या परेशानी आ रही है? देखिए देखिए आमजन की बात की जाए तो जिस तरीके से मौसम जो दिल्ली मौसम में आई है, तो कहीं ना कहीं दिव्या देखा जाता है कि लोग जो है अनुमान नहीं लगा पाते कि आखिरकार रात को और सुबह का मौसम कैसा रहेगा। लेकिन जब लोग अपने सुबह उठते हैं तो कहीं ना कहीं जब शहर पर निकलते हैं या फिर अपने गंतव्य के लिए निकलते हैं या ट्रेन के लिए निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से धुंध की चादर जब उनको दिखाई देती है तो कहीं ना कहीं और इसको इस मौसम को देखते हुए जो है पूरी, चाहे फ्लाइट की बात की जाए तो फ्लाइटों में भी काफी देरी जो है वो यहाँ पर कर दी गई है, चाहे वो ट्रेनों की बात की जाए तो ट्रेनों में भी जो है एक से दो घंटे की वेटिंग से लेट से वो यहाँ पर चल रही है। जो हरियाणा रोडवेज की बात की जाए तो हरियाणा रोडवेज की बसों में भी जो है काफी टाइम जो है वो चेंज किया गया है, हर जो रूट के लिए आज से एक घंटे के करीब करीब वो लेट यहाँ पर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से क्योंकि पूरा जो है पूरी जो हरियाणा सरकार की बात की जाए तो रोडवेज की, तो वो भी पूरा ध्यान में देखते हुए, यात्रियों को देखते हुए, तो कहीं ना कहीं वो भी जो है एक घंटे लेट चलते हैं। लेकिन आम जन को इस चीज से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो भी अपने ऑफिस या ड्यूटी के लिए निकलते हैं तो कहीं ना कहीं सवारियां जिस तरीके से गाड़ियां नहीं मिलती, ट्रेन नहीं मिलती, तो उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी दिव्या, रमेश जी ट्रैफिक विभाग ने क्या कुछ जो है एडवाइजरी लोगों के लिए जारी की है? साथ ही देखा जाए तो किसान वर्ग ने खुशी जताई थी बढ़ते हुए कोहरे से, और अब जो है मौसम बदल रहा है तो उसको लेकर के वो दुख भी जो है वो अपना जता रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये कि ट्रैफिक विभाग ने क्या एडवाइजरी जारी करी है, और दूसरा सवाल कि बढ़ते कोहरे से और बढ़ती सर्दी से वो लोग जिनको रहने के लिए छत नसीब नहीं होती है, उन लोगों के लिए परेशानी भी बढ़ जाती है। ऐसे में उन लोगों के अलाव के लिए रेन बसेरों के लिए प्रशासन ने क्या कुछ व्यवस्थाएं की है? देखिए मैं बताना चाहूंगा, अगर फुटपाथ पर उनके लिए अगर मैं बच्चेरों की बात करूं तो फुटपाथ प्रशासन हमेशा रहता है, अलर्ट है पूरा। यहाँ पर एसपी आस्था मोदी है जो पुलिस डिपार्टमेंट को देखती है, और अजय तोमर जो डीसी महोदय है वो लगातार जो कहीं ना कहीं जागरूकता के साथ जो है जितने भी रेन बसेरे थे उनको दुरुस्त किया गया, वहां पर जो है बिस्तर कंबल वगैरह वगैरह जो भी है वो रखवाए गए, और इसके साथ साथ एडवाइजरी जारी भी जो है प्रशासन की तरफ से मैं कहूंगा, रोडों पर स्पर्श करने वालों के लिए भी बड़े निर्देश कहीं ना कहीं दिए थे। एसपी आस्था मोदी ने कहा था कि जो लोग जो है रोडों के ऊपर जो सुबह सुबह जो मॉर्निंग वॉक करते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो रेस लगाते हैं, मिलिट्री की तैयारियां करते हैं दिव्या, उनके लिए जो एसपी आस्था मोदी ने कहा था कि वो सुरक्षित जो है अपने ग्राउंडों के अंदर रह के अपने गांव के अंदर ही वो तैयारियां करें और रोडों के ऊपर जो है मॉर्निंग वॉक के लिए ना निकले, क्योंकि लगातार जो इन दिनों में जो कोहरा पड़ रहा था उस
एक्टिविटी बिल्कुल कम थी। ऐसे में एक्सीडेंट की जो बात अगर मैं करूं तो एक्सीडेंट बिल्कुल बढ़े थे, और अभी जो है इन दो दिनों की बात की जाए तो काफी ज्यादा जो है राहत कहीं ना कहीं मिली है। रोडों के ऊपर जो है सफर करना वो अभी आसान हो चुका है क्योंकि जी बहुत शुक्रिया रमेश जी इस जानकारी के लिए। तो हरियाणा में लगातार जो है वो मौसम अपने रंग बदल रहा है और मौसम विभाग जो है लगातार एडवाइजरी भी जारी कर रहा है इन सभी को लेकर के। और मोनू पांचवार फरीदाबाद से, प्रवीण आहूजा पलवल से और रमेश ढाका फतेहाबाद से हमारे साथ जुड़े थे। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि हरियाणा में मौसम विभाग लगातार जो है वो अलर्ट जारी कर रहा है, मौसम जो है लगातार अपने रंग बदल रहा है। ऐसे में लोगों से एडवाइजरी जारी की गई है, लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है ताकि वो मौसमी बीमारियों से अपने आप को बचा सके। साथ ही किसानों के लिए ये सर्दी हल्की राहत भरी भी है और कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें भी देखी जा रही है। वहीं नेकी की दीवार नाम से एक पहल पहले शुरू की गई थी, उसे शुरू करने की दोबारा से जरूरत है। अगर आपके पास कुछ ज्यादा है तो जो रोड किनारे फुटपाथ पर लोग रह रहे हैं उन्हें दान करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।